बरूटो का मांगा तो दूर, मैंने इसका एनिमे भी काफी लंबे टाइम से छोड़ रखा था, बट बरूटो का मांगा इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है कि इसको कौन ही हटा सकता है। अगर हम बरूटो और उनके विलेंस को साइड भी रख दें, तो सबसे खास चीज जो मुझे दिख रही है वो है हिमावारी, जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं करता, या फिर शायद अब करे क्योंकि रिसेंट चैप्टर्स में हमने हिमावारी का ट्रू पोटेंशियल देखा। यस गाइस, यहां पर आपको बरूटो के स्पॉयलर्स मिलेंगे, लेकिन आप ये भी जान लेंगे कि क्या सही में हिमावारी यानी कि नरूतो की बेटी नरूतो से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि डेफिनेटली हमारा नाइन टेल कुरामा हिमावारी के अंदर वापिस आ गया है, एंड खुद कुरामा के हिसाब से उसका कनेक्शन हिमावारी के साथ ज्यादा अच्छा है। वेल, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स सी कि क्या सही में हिमावारी इतनी ज्यादा ताकतवर है। ओके, नरूतो वर्सेस बरूटो का टॉपिक बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, और हम सभी इस बात को बहुत ज्यादा अच्छे से डिस्कस करते हैं कि बरूटो क्या नरूतो को सरपास कर देगा, और क्योंकि अभी बरूटो का टाइम स्किप आर्क चल रहा है और अभी तक हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि बरूटो कितना ज्यादा ब्रोकन है। हाँ, नरूतो ऑलरेडी एक बहुत ही पावरफुल क्लैन यानी कि उज़ुमाकी क्लैन से बिलोंग करता है, जिसका चक्र रिजर्व ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, प्लस उसमें अगर कुरामा का चक्र ऐड कर दे तो उसके पास ऑलमोस्ट अनलिमिटेड चक्र रिजर्व हो जाता है। तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि नरूतो बहुत ज्यादा गिफ्टेड था, लेकिन उसके बच्चे और ज्यादा गिफ्टेड हैं। लेट मी एक्सप्लेन। चलिए पहले बरूटो से ही स्टार्ट कर लेते हैं। टीनेज बरूटो, टीनेज यानी कि नरूतो शिपुडेन वाले नरूतो से बहुत ज्यादा ताकतवर है। बरूटो के पास उज़ुमा की ब्लड लाइन है, ह्यूगा ब्लड लाइन है, जोगान है, कर्मा सील है, और वो पूरा उत्सुसुकी है। वो शायद अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है जो अब तक हमें दिखाया गया है नरूतो एंड बरूटो में। बट यहाँ पे हमेशा बरूटो की बात की जाती है, यहाँ पे हमेशा नरूतो एंड हिनाता की दूसरी औलाद को बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है, यानी कि हिमावारी को। लेकिन अब हिमावारी के बारे में सब बात कर रहे हैं क्योंकि रीसेंट चैप्टर्स में उसके पोटेंशियल को शो करना स्टार्ट किया गया। सबसे पहली चीज, वो एक उज़ुमाकी है, दूसरी चीज वो एक ह्यूगा है। अब मैं आपको बता दूं, एक ह्यूगा बहुत ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि नरूतो सीरीज में उचिहास को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया था, तो कहीं ना कहीं ह्यूगास दब से गए। लेकिन बरूटो में ऑलमोस्ट ह्यूगा को बहुत ज्यादा अच्छे शो किया जा रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ओत्सुसुकी के पास बेयाकुगान है। तो यस, ह्यूगा एक्चुअली में सबसे क्लोजेस्ट है ओत्सुसुकी के। यहाँ पे हमने बचपन में ही देख लिया था कि हिमावारी जेंटल फिस्ट का यूज कर सकती है, और हमने रिसेंटली ही देखा कि हिमावारी के अंदर कुरामा का एक एसेंस बचा हुआ है। कुरामा ने ये एक्सप्लेन किया कि कोई भी टेल बीस्ट हमेशा के लिए नहीं मर सकता, वो कहीं ना कहीं से वापस आ ही जाएगा। उसने ये एक्सप्लेन किया कि शायद हिमावारी के अंदर बचपन से ही यानी कि बाय बर्थ कुरामा का एक एसेंस था। दैट्स द रीजन उसके गालों में वो मार्किंग्स थे फॉक्स के। एंड अब जब कुरामा अवेक हो गया है तो वो एक बच्चे के फॉर्म में अवेक हुआ है। बट कुरामा ने ये एक्सप्लेन किया कि उसका और हिमावारी का कनेक्शन या कहें कंपैटिबिलिटी नरूतो से भी ज्यादा है। इसके पीछे का रीजन ये है कि हिमावारी बोथ उज़ुमाकी एंड ह्यूगा है, जो कि ओत्सुसुकी से सबसे ज्यादा क्लोज है। और यहाँ पे कुरामा ने ये भी एक्सप्लेन किया था कि उसका चक्र रिजर्व नरूतो से भी ज्यादा है। बाप रे बाप, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर हिमावारी एक ऐसी लड़की निकली जो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर हो सकती है बरूटो की, यानी कि वो बरूटो तक को सरपास कर सकती है। बट ये जो जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये सारी बातें 4 हफ्ते पुरानी है, मतलब ये सारी बातें 4 से 5 हफ्ते पहले रिवील कर दी गई थी। बट हमें रिसेंट चैप्टर में ये दिखाया गया कि वो जुरा से हेड ऑन फाइट कर रही है, जो कि इस आर्क का शायद मेन विलन है। आई मीन सीरियसली, हिमावारी एक्चुअली में उसके अगेंस्ट खड़ी हो पाई एंड उसे पंच करके उड़ा दी। एंड सबसे अमेजिंग बात, वो कहीं ना कहीं अपनी ग्रैंड मदर यानी कि कुशीना, जो कि नरूतो की मदर थी, उसको रिसेंबल करती है, क्योंकि कुशीना के बाल नाइन टेल की तरह इधर उधर बिखर जाते हैं, हिमावारी के बाल भी उसी तरह एक्ट करते हैं। हिमावारी अपने बालों से किसी को भी उठा सकती है, ग्रैब कर सकती है, और ऐसा हमने देखा भी। प्लस पूरे मांगा रीडर्स की आंखें तब फटी रह गई जब एक्चुअली में हिमावारी परफेक्ट टेल बीस्ट बॉम्ब बनाना स्टार्ट की, और उसने एक्चुअली में इतना बड़ा ब्लास्ट किया जो आसमान में बहुत दूर तक दिखाई दिया। आई मीन सीरियसली, इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े फीट्स अचीव करना कोई भी नॉर्मल बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे हिमावारी की एज वही है ऑलमोस्ट जो नरूतो की स्टार्टिंग में थी, यानी कि जब नरूतो थोड़ा थोड़ा नाइन टेल का चक्रा लीक करता था और वो थोड़ा थोड़ा बर्सर्क मोड में जाया करता था। वहां पर नरूतो के पास कुरामा का कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो और कुरामा बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं थे। बट यहाँ पर कुरामा ने ये चीज कह दी है कि उसका और हिमावारी की कंपैटिबिलिटी काफी ज्यादा है कंपेयर टू नरूतो। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी देख सकते हो कि वो और कुरामा कितने अच्छे से सिंक होकर के काम कर पा रहे हैं, फाइट कर पा रहे हैं। यहाँ पे कुरामा के अवेकन के कुछ ही मिनट बाद उसने टेल्ड बीस्ट बॉम्ब बना लिया। आई मीन सीरियसली, उसने जोरा को इतनी जोर से पंच किया, वो भी एक नहीं 2 बार, कि जोरा उड़ के कहीं जाकर
घुस गया। लेकिन इसके बाद अफकोर्स जुरा हेमावारी को कंटाप मारता है और कुरामा भी ये चीज एक्सेप्ट करता है कि नहीं भाई, हम इससे नहीं जीत सकते हैं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड देन अफकोर्स वहां पे आता है बरूटो एंड कावाकी, एंड बरूटो अफकोर्स सबसे पहले आता है और सारादा को बचाता है। एंड यस, यहाँ पे बरूटो की एंट्री इतनी ज्यादा अमेजिंग थी कि गॉड। बट क्या हमें इस वीडियो का आंसर मिला? क्या हेमावारी एक्चुअली में नरुतो से ज्यादा ताकतवर है? ओके, तो इसका मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूंगा, नहीं है। लेकिन क्या वो नरुतो से ज्यादा ताकतवर हो सकती है? इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है डेफिनेटली यस। आई मीन सीरियसली, जरा आप सोच के देखिए, कुरामा के अवेक कर रहे हैं कुछ ही मिनट बाद वो इतनी ज्यादा बड़े बड़े फीट्स परफॉर्म कर पा रही है जो शायद नरुतो एडल्ट नरुतो में परफॉर्म करता था। और यहाँ पर सोचिए, जब हेमावारी एडल्ट हेमावारी बनेगी या फिर उसके पास 5-6 साल या 8 साल का एक्सपीरियंस होगा, तब वो क्या क्या फेट परफॉर्म करेगी, ये चीज तो हम खाली देख ही सकते हैं। Well guys, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको ये सारी बातें पता थी या फिर आपका मैंने स्पॉइल कर दिया? या फिर अगर मैंने आपको स्पॉइल किया तो आई एम सॉरी, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए थी कि नरुतो की जगह कोई ले रहा है भाई। एंड या अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तब तक मैं आपको मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड गुड लक।